गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों आज आपको पता है कि आज मेरा लद्दाख ट्रिप का डे 6 है। आज का मेरा जो शेड्यूल है वो है कि सबसे पहले मुझे चरार शरीफ जाना है, जो यहाँ से 45-50 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से फिर रिटर्न आने के बाद जो है मुझे सोनमर्ग तक पहुँचना है। सुबह उठने के बाद जो है, क्योंकि मैं इज़्ज़त खान साहब के घर पे था, जो ये जो शॉप है खान केसर महल के मालिक है, इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। इसका वीडियो आप आई बटन में आपको मिल रहा होगा। फर्स्ट टाइम कश्मीर के अंदर रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग, और यहाँ से अभी यू टर्न ले करके हम लोग, ये जो रोड है ये सीधा चरार शरीफ के लिए निकलता है। 45-50 किलोमीटर है और ये रूरल इलाका रहेगा, गांव, छोटे छोटे खेत वगैरह, यहाँ से ये रोड निकलेगा। उम्मीद है बड़ा मज़ा आएगा। सड़क के साइड पे ये जो आप खेती देख रहे हो, ये चावल की खेती है। जी हाँ, कश्मीरी चावल। कश्मीर में चावल बहुत उगता है, लोग बहुत इसकी खेतीबाड़ी करते हैं। तीसरी बार आ रहा हूँ कश्मीर में, लेकिन ये जो मंज़र नज़र आ रहा है, ये पहली बार इसका मुझे तजुर्बा हो रहा है। खेतों के बीच में से सड़क गुज़र रही है, क्या मैं कहूँ, कितना मज़ा आ रहा है। दोस्तों एक बार ज़रूर आप लोग भी यहाँ पर आना। अचानक ये गेट आ गया, नहीं तो आपको दिखाता था। इसके ऊपर कश्मीरी में लिखा हुआ है खुश आमदीद मरहबा वेलकम, जिसका मतलब होता है वेलकम। सीधी सड़क है और छोटे छोटे घर है, क्या कहूँ, क्या ड्राइव करने का मज़ा आ रहा है दोस्तों, वाव। मुंबई के किसी भी व्लॉगर ने चरार शरीफ मज़ार को नहीं दिखाया है, लेकिन आज मैं जो है, मैं मेरे जो नाज़नीन को, अकीदतमंदों को दिखाने जा रहा हूँ, और मुझे इसकी बड़ी खुशी है। चरार शरीफ में पहुँच रहा हूँ और बस अब जो है सीधा मैं आपको उसके सहन में लेके जाता हूँ, और मैं आपको चरार शरीफ की जो मज़ार है वो बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नक्काशी का जो भी काम है, या जो भी यहाँ पे इंटीरियर का जो काम है दरगाह के चारों तरफ जो है, वो पूरा लकड़े का काम है। और ऊपर से देखिए जो मज़ार शरीफ है, आस्ताना है, वो उसका जो मंज़र है, कितना माशाअल्लाह रूह परवर लग रहा है। एकदम रूहानी मंज़र, रूहानी माहौल है यहाँ पर। चरार शरीफ में ज़्यारत हो चुकी है, अब जल्दी से इज़्ज़त खान साहब के घर पे जाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, और खाना खा करके फौरन जो है वो सोनमर्ग के लिए निकलते हैं वाया श्रीनगर। तो क्योंकि शाम अंधेरा होने से पहले हमें सोनमर्ग पहुंचना है, क्योंकि शाम की जो पहाड़ियाँ जो रहती है वो बहुत ख़तरनाक नज़र आती है। तो चलिए जल्दी निकलते हैं। चलिए खाना खा करके मैं निकल चुका हूँ, और अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा सोनमर्ग है, जो श्रीनगर से सिर्फ 80 किलोमीटर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन इस रोड का कुछ कह नहीं सकते कि कब चालू हो जाए, कब बंद हो जाए, भाई कब कहाँ पे कोविड की रिपोर्ट के लिए कोई खड़ा हो जाए। तो पहले अभी श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर में डल लेक के पास जाते हैं, फिर वहाँ से फिर एक बंदे से मिलना है मुझे, और उसके बाद मैं जो सीधा जो है फिर सोनमर्ग के लिए निकल जाएंगे आगे। लोगों को जो है दोस्तों के साथ घूमने बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस मामले में मेरी सोच एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मुझे अपने दोस्त लोग से ज़्यादा मज़ा अपने घर वाले, अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है।
मुझे अपने लोग लगते हैं। और ये इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक नेचर होता है, सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो चूँकि दो बार पहले भी मैं यहाँ कश्मीर आ चुका हूँ, डल लेक आ चुका हूँ, ये मेरा तीसरी बार है, तो मुझे अपने लोग को मैं याद कर रहा हूँ कि अपने लोग रहते तो इस सफ़र का मज़ा कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता। श्रीनगर आ चुका है, वेलकम टू बादामी बाग कंटोनमेंट जोन। खूबसूरत कश्मीर का खूबसूरत श्रीनगर की खूबसूरत सी सड़क, यहाँ पर आपको हर चीज़ कूल कूल मिलेगी, एकदम ठंड स्वभाव, एकदम ठंडा बर्फबारी, ठंडा माहौल, हर चीज़ यहाँ पे आपको कूल कूल मिलेगी। और बात ही कुछ अलग है श्रीनगर की। सामने जो लेक नज़र आ रही है ना, यही वही लेक है जिसे डल लेक कहा जाता है। यस माय फ्रेंड्स, यही है डल लेक, यही है डल लेक की खूबसूरती। दुनिया में जो चंद खूबसूरत जगह है उनमें से एक कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर एक डल लेक भी है। ये भी दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन जगहों में से एक ये जगह है। बेशक नेचर्स लवर को ये बहुत पसंद होगा। और चलिए यहाँ पर रुक करके इस नज़ारे से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। नेचर की खूबसूरती का क्या आलम कहूँ कि एक तरफ ये जो पहाड़, पहाड़ पे बादल, और बादल के सामने एक तरफ ये लेक, और लेक खूबसूरत लेक। तो इस जगह की तो खूबसूरती का तो क्या कहने, आप खुद एक बार आकर के देखते क्यों नहीं, एक बार आइए देखिए आपको कैसा लगता है। यहीं पे बहुत सारी हाउस बोट वगैरह है। ये कश्मीर की, ये जो कश्मीर की जो चंद खूबसूरत जगहों में से एक खूबसूरत जगह है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया कि मैं तीसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ, और इस बार तो बाइक पे आ रहा हूँ मेरे घर से सोलो राइड करते हुए। आई एम नॉट श्योर, मगर ये जो लेफ़्ट साइड में जो सामने जो दिख रही है वो कश्मीर की हज़रत बल दरगाह है, हज़रत बल जिसे कहा जाता है, मस्जिद भी है और वहाँ पर मोए मुबारक शरीफ भी है। तो यही वो जगह है, इसी डल लेक के किनारे पर हज़रत बल भी है। जिनसे मिलने की बात बोल रहा था यह है दानिश भाई, इन्हीं से मिलने की बात बोल रहा था, और इन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं, और इंशाल्लाह मतलब इनके मशवरों पे अमल भी करूँगा। और चलिए फिर निकलते हैं, जियो फाइबर में काम करते हैं, तो ये इनके दोस्त हैं, तो इनसे मुलाकात बहुत अच्छी हो गई, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम साथ में हैं। चलिए हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। ऑन द वे सोनमर्ग की तरफ मेरा सफ़र चल रहा है। इसी साल 2021 में मैं जब कश्मीर आया था मेरी फैमिली के साथ, और 2014 में जब मैं कश्मीर आया था, तो इस रोड की कोई भी हालत बदली नहीं है, सेम एज इट इज़ वैसा ही है, वैसी ही तंग सड़कें, वही कंडीशन, बस वैसा ही चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं, सेम एज इट इज़ वैसा ही है। और ये जो है ना आउटर इलाका, जो सोनमर्ग जो का जो रोड है जो लद्दाख की तरफ जाता है, ये 2014 में भी ऐसा था, फरवरी 2021 में भी वैसा था, और आज भी वैसा ही है। यहाँ से जो लेह है वो कुल जो है 400 किलोमीटर दूर है, उससे पहले फिर यहाँ पे हमको आएगा दरास आएगा, कारगिल आएगा, और ये सब होते हुए हम लोग जो है लेह की तरफ जाएंगे। मेरे रेगुलर फॉलोवर्स ने जगह को पहचान लिए होंगे कि ये वही जगह है जब दो फरवरी के अंदर इसी साल जब आया था, तो ये राइट साइड में ये नदी जो है वहीं पर पे बैठ करके हमने बहुत सारे फ़ोटो निकाले थे, वीडियोज़ बनाए थे, शॉर्ट्स बनाए थे, और यहीं पर रिफ़्रेशमेंट लिए थे, चाय पानी नाश्ता किए थे, और बड़ा मज़ा आया था। खाने की बुराई मैं करना नहीं चाहता, मगर इस होटल के अंदर, ये दिल्ली दरबार जो है, यहाँ पे खाने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा ख़राब था।
यहाँ से ले जाने के लिए दो टनल का काम चल रहा है और यहाँ पे अक्सर जो है लैंडस्लाइड वगैरह होते रहती है। और अगर आप देखोगे तो अभी भी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुई है, अभी तक शायद यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता भी नहीं चला है कि ये मलबा जो है वो साइट पे करे। और यहीं पे टनल का काम भी चल रहा है, एक टनल का नाम मुझे याद नहीं है, और आगे जो है जोजिला पास के ऊपर बड़ा टनल बन रहा है, उसको तो बनते बनते कम से कम 10 साल ज़रूर लगेंगे। पहाड़ी इलाके दिन में कितने भी खूबसूरत रहने दो, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाती है, तारीखी बढ़ते जाती है, ये ख़तरनाक नज़र आने लगते हैं और डरावने लगने लगते हैं। अभी ये जो टर्न है आप देखिए कितना ख़तरनाक था और पता भी नहीं चलता था, और कि सामने से गाड़ी आ रही है तो नज़र भी नहीं आएगी। यहाँ से सोनमर्ग सिर्फ 15 किलोमीटर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सोनमर्ग पहुँचते पहुँचते जो है अंधेरा हो जाएगा। जैसे जैसे रात की तारीखी बढ़ते जाती है, अंधेरा होता जाता है, पहाड़ी इलाके जो है खूबसूरती जो है वो डरावनेपन में तब्दील होते जाते हैं। ये लोखंड का ब्रिज आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई सोनमर्ग आ गया, वेलकम टू सोनमर्ग का बोर्ड आता है इस ब्रिज के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइट का इशू हुआ है तो इसके लिए मैं अभी सीधा होटल कर लेता हूँ, और मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो सीधा सुबह ही आपको मिलता हूँ। और आज के ब्लॉग को हम लोग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, सोनमर्ग में आज पहुँच गया हूँ। फिर चलिए नई सुबह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं।